ये है दिल्ली की पहली टनल यार, तभी इसको ना संडे को बंद कर देते हैं। ऐसी आवाज अटल टनल के अंदर आ रही थी, मुझे अच्छी तरह से याद है। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सबके सब अच्छे होंगे। फिलहाल अभी मैं हूँ इंद्रप्रस्थ में, और आगे जो मेट्रो स्टेशन आएगा इंद्रप्रस्थ का आएगा, और आगे जो रोड जा रही है सीधी उस साइड, वो जा रही है कश्मीरी गेट के लिए। और यहाँ पे ना एक नई टनल बनी हुई है, जो कि यहाँ बोर्ड लगा हुआ है इंडिया गेट और प्रगति मैदान पार्किंग के लिए। फिलहाल इस जगह मैं काफ़ी बार आ चुका हूँ, बट ये मुझे टनल ना हमेशा बंद मिलती है। उसका रीज़न ये है क्योंकि मैं जितनी बार भी आता हूँ उस दिन संडे होता है, और संडे के दिन वो बंद कर दी जाती है। इंडिया गेट की तरफ ज़्यादा ट्रैफिक ना जाए उसकी वजह से इस टनल को बंद कर दिया जाता है। तो गाइज़ मुझे नहीं पता ये टनल कितनी लंबी होने वाली है, मेरे हिसाब से 2 या 4 किलोमीटर तो होगी होगी। तो गाइज़ चलते हैं इस टनल के अंदर और एक्सपीरियंस करते हैं, और आप लोगों को भी दिखाऊंगा ये टनल कैसी बनी हुई है। खैर मज़ा आने वाला है, और चलो बाइक को स्टार्ट करते हैं जल्दी से और चलते हैं। फिलहाल मैं किलोमीटर नोट करवा देता हूँ कि कितने किलोमीटर ये लंबी ये टनल होगी। तो गाइज़ इसके लिए मुझे ट्रिप को करना पड़ेगा 0। तो गाइज़ देखो यहाँ पे ना अभी 0 हो चुकी है, और अपनी बाइक को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 2 मेरे ख्याल एग्जिट पॉइंट होंगे, एक प्रगति मैदान के लिए और एक इंडिया गेट के लिए। फिलहाल मुझे जाना उस साइड था, बट मैंने कहा एक रिव्यू उसका भी बना ही देते हैं। तो गाइज़ ये हमारी यहाँ अंदर एंट्री होती हुई, ये स्पीड लिमिट देखो 30, 30 और 30, समझ गए? सो गाइज़ अटल टनल की फील आ गई यार, देख रहे हो। सो गाइज़ ये दिल्ली की पहली टनल है, और इसके अंदर पता नहीं क्या क्या अभी चल रहा है, कुछ सुनाई नहीं आ रहा मुझे, बट हाँ कुछ चल रहा है यार, आवाज़ तो आ रही है। ऐसी आवाज अटल टनल के अंदर आ रही थी, मुझे अच्छी तरह से याद है। तो ये जो रास्ता भी बंद करा हुआ है, प्रगति मैदान हॉल पार्किंग साइड जो रास्ता बंद है, और आसपास की बात की जाए तो यहाँ पे काफ़ी जगह लिखा हुआ है हॉर्न वगैरह नहीं बजाना बिल्कुल भी, और म्यूज़िक चल रहा है कि जिसकी वजह से आँख ना लगे। और आसपास काफ़ी अच्छी चीज़ें ना पेंटिंग्स वगैरह बनी हुई है कि लोगों को ना इंटरेक्ट करे, मतलब अच्छी लगे देखने में। और एग्जॉस्ट फैन लगे हुए हैं बड़े बड़े, और म्यूज़िक सिस्टम लगे हुए हैं, गाना बजाने के लिए नहीं है, लोगों को अवेयर करने के लिए, मतलब रुको वगैरह ना, कि तुम्हें पता ही ना दिल्ली है तो क्या क्या चलता रहता है यहाँ पे। सो गाइस ये है दिल्ली की पहली टनल यार, ऑसम, मज़ा आ गया। लेकिन जाम तो मिल नहीं है, वो तो मुझे पता ही था। अभी देखते हैं आगे कहाँ जाके एग्जिट होने वाली है। अगर वहाँ से मेरा रास्ता निकल जाएगा तो मैं निकल जाऊँगा, अदरवाइज फिर मैं वापस आऊँगा वापस। सो गाइस अभी ये नॉन वर्किंग आ रहा है, और इस टाइम पे यहाँ जाम लगा हुआ है, तभी इसको ना संडे को बंद कर देते हैं जाम की वजह से। और गाइस देखो यहाँ पे ना फ़ोन भी लगा हुआ है, SOS लगा हुआ है, एमरजेंसी में कहीं भी कॉल कर लो। और ये भी रास्ता पीछे कहीं ना कहीं से आ रहा है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है ना। सो गाइस इतनी सी टनल थी, 1 किलोमीटर लंबी टनल थी गाइस, और जगह जगह गाइस इसमें ना फायर सिस्टम लगा हुआ है, कुछ एमरजेंसी हो जाए तो यार तुम्हें पता ही ना फिर क्या करना होता है। गाइस कुछ भी बोलो यार, मज़ा आ गया। मतलब देखो एक होता है ना कि टनल देखने के लिए लोग इतनी दूर जा रहे हैं, तो सस्ती टनल देख लो ये पे यार दिल्ली के अंदर ही, और क्या चाहिए। तो अभी देखते हैं कि इसका एग्जिट कहाँ जाके निकल रहा है। देखो मुझे एंट्रेंस का तो पता था, इंद्रप्रस्थ के पास से इसकी एंट्रेंस है जब हम सराय काले खां की तरफ से आते हैं। सो गाइस देख रहे हो कितना सारा सामान जा रहा है बाइक के ऊपर, लेकिन कुछ लोग ही जानते हैं कि इससे भी ज़्यादा मैं सामान लेके जा चुका हूँ जब कोविड का पैंडमिक था। खैर बीते दिन याद नहीं करने चाहिए इंसान को, जो आने वाले पल हैं वो ही याद करें तो ज़्यादा बेहतर है। अरे ट्रैफिक ने यार काम ख़राब कर दिया यार, कोई बात नहीं झेल लेंगे थोड़ा सा। अभी इसमें मैं पहली बार आया हूँ तो इसलिए मैं थोड़ा ना जोश जोश में आ गया था। अब जब वापस अगर जाऊँगा तो हर एक चीज़ आपको ना अच्छे से दिखाता जाऊँगा, मैं कोशिश करता हूँ मुझे यूटर्न कहीं पास में मिल जाए तो बेहतर है। गाइस ये रास्ता ना विजय चौक के पास से आके निकला एकदम। फिलहाल एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से ना यूटर्न ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे आगे से ना बहुत लंबा पड़ जाएगा अगर मैं घूम के जाऊँगा तो।
तो यू टर्न ले लिया मैंने, तो मुझे टोटल यहाँ तक पड़ा है 1.7 किलोमीटर। सुप्रीम कोर्ट की बैक साइड है, मुझे याद आया मेरा रास्ता आ गया, याद आ गया, याद आ गया, याद आ गया, याद आ गया। गाइस जल्दी से चलते हैं टनल की साइड द्वारा से। सो गाइस देखो लिखा हुआ ना ITO प्रगति मैदान पार्किंग, अभी ना पार्किंग वाली साइड बंद कर रखी है। तो गाइस द्वारा से आ चुका हूँ मैं टनल के अंदर, अब मैं यहाँ से वापस जा रहा हूँ रिंग रोड की साइड, देन वहाँ से लेफ्ट लेके मैं आगे की तरफ निकल जाऊँगा। तो गाइस अगल बगल में ना पेंटिंग्स देखो यार, कितनी प्यारी बना रखी है देखो इधर। बट ये नहीं पता पानी अंदर कहाँ से आ गया, खैर बारिश पड़ी थी 2-4 दिन पहले, उसकी वजह से हो सकता है कि पानी अंदर आ गया हो। लेफ्ट जाना है RTO की साइड और सीधा अक्षरधाम, ITO सॉरी मैंने RTO बोल दिया। तो गाइस यहाँ से मैं लेफ्ट ले रहा हूँ ITO के लिए और नोएडा के लिए और कालेखां और लाजपत नगर के लिए रास्ता वहाँ से निकल जाएगा। और इसका एग्जिट पॉइंट था टोटल मुझे 3 समथिंग कुछ किलोमीटर पड़ा है। टनल को पूरा आपको दिखा दिया किस तरीके की टनल बनी हुई है, और मैंने भी देख ली यार, मैंने भी पहली बार देखी, सही बताओ तो मैंने अभी तक ये टनल देखी नहीं थी। तो गाइस ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट अपने देश के अंदर आ रहे हैं जिनको देख के यार मतलब दिल खुश होता है, जिन प्रोजेक्ट्स को देख के दिल खुश होता है, और ऐसे प्रोजेक्ट्स हमारे जो देश की आन शान और बान सब कुछ बढ़ाते हैं। तो गाइज ऐसे और प्रोजेक्ट्स अगर आएंगे, अगर आपको पसंद आते हैं तो चैनल पे मैं ज़रूर दिखाने की कोशिश करूँगा। फिलहाल मैं पहुँच चुका हूँ ITO, यहाँ से लेफ्ट मार के मैं निकल लूँगा। इस वीडियो को मैं करता हूँ यहीं पर एंड, टिल देन टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय।